दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फैंस के सब्र की लंबी परीक्षा लेने के बाद आखिरकार ऋतिक रोशन ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने तमाम फैंस को एक तगड़ा सरप्राइज देते हुए अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म की घोषणा की थी और इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अपोजिट दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया है, जो पहली बार ग्रीक गॉड के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। वही दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने इससे पहले ऋतिक रोशन की दो जबरदस्त एक्शन फिल्में बैंग बैंग और वॉर को डायरेक्ट किया था और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में कामयाब रही थी। और दोस्तों, वैसे भी इन दोनों फिल्मों के आधार पर माना जा रहा है कि ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की ये तीसरी फिल्म भी एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होगी, जिसे 250 करोड़ के तगड़े बजट में तैयार किया जाएगा। वही दोस्तों, इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक एयरफोर्स पायलट के रूप में नजर आएंगे और इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। वही दोस्तों, इस फिल्म का टाइटल फाइटर रखा गया है और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की एक फिल्म जो काफी लंबे समय से चर्चा में है, उसका टाइटल भी फाइटर बताया जा रहा था। और दोस्तों, ये फिल्म विजय देवरकोंडा की डेब्यू बॉलीवुड फिल्म होगी, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगी। और दोस्तों, अब खबर है कि सोमवार यानी कल 18 जनवरी को इस फिल्म का फर्स्ट लुक सामने लाया जाएगा। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट के बाद ऐसा ही माना जा रहा है। दोस्तों, ट्वीट में लिखा गया है, सभी का मनोरंजन करने के लिए पहली भाषाओं से परे सिनेमा लाया जा रहा है। कल सुबह 10:08 पर कुछ बड़ा शेयर किया जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म का डायरेक्शन पूरी जगन्नाथ ने किया है। अभी तक इस फिल्म की कहानी और नाम के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके बारे में कुछ डिटेल सामने आएगी। अभी तक केवल इसकी शूटिंग की जानकारी ही सामने आ पाई है, लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि ये विजय देवरकोंडा की एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होगी। वही दोस्तों, इस फिल्म का नाम फाइटर बताया गया था। अब चूंकि ऋतिक रोशन ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी फिल्म का ऐलान करते हुए बताया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म का नाम फाइटर है, तो दोस्तों वैसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऋतिक रोशन और विजय देवरकोंडा, इन दोनों ही स्टार की फिल्मों का नाम फाइटर रखा गया है? क्या ये दोनों ही फिल्में फाइटर टाइटल के साथ रिलीज होगी? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक ही टाइटल के साथ दो फिल्में रिलीज नहीं हो सकती। तो वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा स्टार अपनी फिल्म का टाइटल बदलता है। और दोस्तों, कल सुबह हमें इस बात का पता चल जाएगा कि विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म का नाम क्या है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऋतिक रोशन और विजय देवरकोंडा के फिल्मों में कॉमन बात ये है कि ये दोनों ही एक्शन फिल्में हैं और इन दोनों ही फिल्मों में हमें ऋतिक रोशन और विजय देवरकोंडा का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। और अब देखना मजेदार होगा कि कौन सा स्टार बाजी मारने में कामयाब होता है। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।